पिछले विगत दो वर्षों में जो महामारी हुई थी उसके दौरान सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन की हुई थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर में नगर पंचायत खुदागंज में राम मंदिर जो गोपाल नगर के नाम से इस समय खुदागंज में मौजूद है, वहां हमारे साथ खुदागंज के प्रतिष्ठित लोग जो हमारे साथ मौजूद है। यहां वृक्षारोपण किया गया है तो मैं उनसे इसके विषय में जानकारी लेता हूँ किस संबंध में किया गया। सर सबसे पहले स्वागत है, सर आप अपना सुपरिचय दीजिए पहले। मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी खुदागंज में प्रैक्टिस करता हूँ। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान हमने यहाँ पीपल के वृक्ष लगवाए हैं। हमारे साथ सभासद सौरभ गुप्ता, नीटू भैया उपस्थित हैं, अनुज जैन हमारे वरिष्ठ आचार्य जी प्रिंसिपल, जैन इंटर कॉलेज विष्णु सिंह जी उपस्थित हैं। इनके साथ हम लोगों ने मिलकर पीपल के वृक्षों का जो है आज रोपण किया है। पीपल का वृक्ष जो है, जो अभी पिछले विगत दो वर्षों में जो महामारी हुई थी उसके दौरान सबसे ज़्यादा समस्या ऑक्सीजन की हुई थी और लोगों की सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, तो पीपल के वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ये हम सब लोगों को मालूम है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगाए जाएं, जिससे हमको नेचुरल ऑक्सीजन प्राप्त हो, कृत्रिम ऑक्सीजन की कम से कम आवश्यकता पड़े, लोग स्वस्थ रहें, पूरा वातावरण स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहता हूँ कि पीपल के वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण किया जाए। सर जो पेड़ मतलब लोग काट रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं? अब देखिए, ऐसा है, विकास जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ चीजों का विनाश भी होता है। अब विकास के माध्यम से इसीलिए तो हम लोगों को करना है, जो हमारे पेड़ कट रहे हैं, अगर दो पेड़ कटते हैं तो हम उसी जगह पर 10 पेड़ लगाएं, तब जाके वो पूर्ति होगी। अब वो पूर्ति तो नहीं हो सकती जो हमारे 100 वर्ष पुराने वृक्ष हैं, विकास के बीच में वो आए हैं तो उनको काटना पड़ा है, वो तो एक क्षति है, वो क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसका हम कुछ जो है समाधान कर सकते हैं कि 2 की जगह 10 वृक्ष लगाएं। मगर सर पेड़ मतलब ट्रांसप्लांट करने की भी तो मतलब वो हो रही है प्रक्रिया, यहाँ से उठा के दूसरी जगह लगाना चाहेंगे? ये हो रही, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया भी अपने यहाँ तो हमको दिखाई नहीं दी कहीं कि पूरे वृक्ष उठा ले जाए। विदेशों में इस तरह की समस्या व्यवस्था है, यहाँ भी हमने सुना था कि प्रधानमंत्री ने ऐसी मशीनें लाई हैं कि पुराने वृक्ष उठाएंगे और दूसरी जगह रोपण कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे संज्ञान में वो नहीं आया। धन्यवाद। और देखिए सर, अब मुझे आचार्य जी मिल गए हैं सर, जैन इंटर कॉलेज के। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं विष्णु सिंह जी सर, प्रवक्ता जैन इंटर कॉलेज खुदावन। सर आज ये वृक्षारोपण हुआ है, पर्यावरण मतलब दिवस मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पर्यावरण हम लोगों के मनुष्यों की सबसे बड़ी जीवन को प्रभावित करने वाली पर्यावरण ही होती है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहेगा, उसके लिए हमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे बड़ा स्रोत पेड़ पौधे जी, पेड़ पीपल के लगाइए या अन्य किसी के भी लगाइए, लेकिन सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें पीपल के पेड़ से मिलती है। इसलिए मैं समस्त लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं भी जगह हो, खाली पड़ी हो, तालाब किनारे हो, नदी किनारे हो या अन्य कहीं भी जहां पानी की समस्या ना हो, वहां पर पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन का स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। धन्यवाद। और देखिए सर, सर अपना नाम बताइए। सौरभ गुप्ता, सभासद नगर पंचायत खुदागंज जी। तो इस समय आपने यहाँ पे कौन कौन से पेड़ का वृक्षारोपण हुआ है? पीपल का पेड़ का वृक्षारोपण किया जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं जी। हम सभी लोगों से इच्छा करेंगे कि वो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं जी। बहुत बहुत दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके घर पे कोई पार्टी हो, शादी हो, फंक्शन हो, तो उस पीरियड में अगर आप एक वृक्ष, एक पौधा रोपण करेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा और हमेशा ऑक्सीजन देता है।